टाटा मोटर्स का, हमने कि पौने 1200 रुपए के आसपास का भाव हो गया था, वहां से ये शेयर गिरा 1015-20 रुपए के आसपास, एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आप अगर परसों देखेंगे और कल देखेंगे, आज देखेंगे, एक बिल्कुल टाइट रेंज में है और इस लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज तो 1% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख भी रहे हैं। अच्छा, आज टाटा मोटर्स ने एक और काम किया है, अपनी एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व को लॉन्च किया है। 17.5 लाख रुपए की कीमत होगी, तमाम स्पेसिफिकेशन से आपको स्क्रीन पर वो दिख जाएंगे, तस्वीरें भी आ गई, काफ़ी खूबसूरत कार है। लेकिन शिवांगी, आप ज़रा ये बताइए, कार के देखिए तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन क्या आपको शेयर भी आकर्षक लग रहा है इस भाव पर? क्या फिर से चलने के लिए तैयार है ये? जी अभिषेक जी, सारे ही ऑटो काउंटर्स अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एंड अगर स्ट्रक्चरली हम बात करें तो इस पूरे बुल रन में कोविड से लेके अभी तक हमने देखा है कि ऑटो स्पेस एक ऐसा काउंटर रहा है जो कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट किया है। सो डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बने रह सकते हैं और अच्छे प्राइसेस पे निवेश करने के भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह से हम इसका ऑन रोड भी अगर हम देखें, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो ट्रेडिंग के लिए मैं कहूंगी कि हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं, 1050 के ऊपर जो है फिर बाइंग स्टांस की तरफ जाए।